नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए एक नए माह की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दो महान अभिनेताओं को श्रद्धांजलि। आपको पता होगा कि इरफान जी की डेथ के बाद में ऋषि कपूर जी का भी कल निधन हो गया 67 वर्ष की आयु में। तो एक बार हम सभी लोगों की तरफ से इन दोनों महान अभिनेताओं को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्विज, और क्विज में आज प्रश्नों की संख्या है 15। तो अगर आप ईमानदारी के साथ में अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आप अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। IIFTC टूरिज्म अवार्ड 2020 में विश्व फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? भारत द्वारा किस देश से स्पाइस 2000 बम खरीदा जा रहा है? भारत का 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स पुस्तक की लेखिका कौन है? और किस ग्रह के उपग्रह के लिए नासा के द्वारा क्लीपर मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। IIFTC टूरिज्म अवार्ड 2020 में विश्व फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया है जोया अख्तर को। किसे? जोया अख्तर को पुरस्कृत किया गया। भारत स्पाइस 2000 बम खरीदेगा इजराइल से। किससे? इजराइल देश से भारत ये खरीद रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि S-400 नाम का जो मिसाइल है ये भारत खरीद रहा है किस देश से? ये हम खरीद रहे हैं रूस से, और रूस से हम AK-203 राइफल भी खरीद रहे हैं। बात करते हैं हम लोग फ्रांस देश की। फ्रांस की बात करें तो इससे एक तो हम लोग राफेल विमान खरीद रहे हैं और दूसरा हम लोग खरीद रहे हैं मीटियोर मिसाइल। बात करते हैं USA की। तो USA से अभी आपको पता होगा कि अप्रैल में समझौता हुआ है हार्पून मिसाइल और मार्क 54 टारपीडो मिसाइल का। इसके साथ साथ USA से हम MK-45 नेवी गन खरीद रहे हैं। रोमियो नाम का हेलीकॉप्टर है और बोइंग नाम का हेलीकॉप्टर भी हम USA से खरीद रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करें तो वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। भारत का 50वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश का कमलांग टाइगर रिजर्व। ऑफिशियली यानी कि भारत सरकार के डेटा के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व हैं और 50वां बना है कमलांग टाइगर रिजर्व, जो कि आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कुल मिलाकर के 3 टाइगर रिजर्व हैं, एक तो है पक्के, एक है कमलांग और एक है नामदफा टाइगर रिजर्व। ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है रुचिका तोमर ने। किसने? रुचिका तोमर ने। और ये पुस्तक चर्चा में क्यों रही? क्योंकि इसी पुस्तक के लेखन के लिए रुचिका तोमर को इस वर्ष पेन हेमिंगे अवार्ड से सम्मानित किया गया। नासा के क्लीपर मिशन की बात करते हैं तो ये है बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के लिए। किसके? जुपिटर का एक उपग्रह है जिसका नाम है यूरोपा, तो उसी के लिए नासा के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। बात करते हैं सैटर्न यानी कि शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, तो टाइटन के लिए भी नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। क्या नाम है? ड्रैगन फ्लाई मिशन। पीएम मोदी द्वारा किस वर्ष तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है? भारत व किस देश के बीच डेजर्ट ईगल नाम का सैन्य अभ्यास होता है? UAE और सऊदी अरब के द्वारा जारी संयुक्त डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? यह एक डिजिटल करेंसी है। NGT के अध्यक्ष कौन है, यानी कि बात हो रही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, जिसे हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नाम से भी जानते हैं। और अंबुबाची मेला किस राज्य का त्यौहार है? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। पीएम मोदी द्वारा कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। कब तक? 2022 तक। भारत और किस देश के बीच डिजर्ट ईगल अभ्यास होता है? तो ये होता है भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के बीच में। और अभी UAE के साथ में USA ने यानी कि अमेरिका ने एक अभ्यास किया है जिसका नाम है नेटिव फ्यूरी, और 2 महीने पहले USA और UAE ने एक और अभ्यास किया था जिसका नाम है आयरन यूनियन। तो इन दोनों अभ्यासों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। UAE और सऊदी अरब के द्वारा जो संयुक्त मुद्रा जारी की गई, जो कि एक डिजिटल करेंसी है, इसका नाम है एबर, ABER। क्या नाम है? एबर। यह एक डिजिटल करेंसी है। NGT के अध्यक्ष कौन है? तो NGT के अध्यक्ष आदर्श गोयल। कौन है? आदर्श गोयल। और अंबुबाची मेला की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये असम राज्य का एक त्यौहार है जो कि गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो इस वर्ष COVID-19 के कारण इसके आयोजन को टाल दिया गया। फगली त्यौहार
किस राज्य में मनाया जाता है? डारेन तांग किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के महानिदेशक हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं? कैंपागौड़ा हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? फिर बात करेंगे वीर सावरकर हवाई अड्डे की, तो यह किस राज्य में स्थित है? और मोहिनी अट्टम ये किस राज्य का एक क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य है? तो आइए इनके उत्तर जानते हैं। फगली त्यौहार अभी मनाया गया है जल्द ही किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में लोसई महोत्सव भी मनाया गया है। डारेन तांग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये महानिदेशक हैं WIPO के, जिसे हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या विश्व बौद्धिक संपदा संघ के नाम से भी जानते हैं। तो डारेन तांग कहाँ के हैं? ये हैं सिंगापुर के, और अभी ये नए इसके महानिदेशक बने हैं। कैंपागौड़ा हवाई अड्डा की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में मिलेगा, और ये भारत का डेयर टेक्नोलॉजी प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा है। डेयर का मतलब क्या है? तो डेयर का मतलब है डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट। तो ये प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा है बेंगलुरु, यानी कि कैंपागौड़ा हवाई अड्डा। वीर सावरकर हवाई अड्डा ये आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार में। कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में ये आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक हवाई अड्डे का नाम और याद रखना है, जो कि है बेगमपेट हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में है। ये चर्चा में क्यों रहा ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो ये शास्त्रीय नृत्य है केरल राज्य का। कहाँ का? केरल राज्य का। तो ये रहे आपके क्विज। अगर आपने अटेम्प्ट किया हो अच्छे ढंग से तो आप अपना इसको नीचे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब वुहान वायरस अपडेट जान लेते हैं। दुनिया में इस समय तक 32,78,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 2,32,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में USA पहले स्थान पे है, स्पेन है दूसरे और इटली है तीसरे स्थान पे। बात करते हैं अपने देश भारत की, तो भारत की स्थिति आप कह सकते हैं कि इस समय खराब ही है और खराब होती भी जा रही है। कल 1799 नए मामले आए, इस तरह से भारत में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगभग 35,000 के पास पहुंच चुकी है। 1150 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, और महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पर 10,000 से ज़्यादा मामले देखे जा चुके हैं, यानी कि 10,000 कन्फर्म केस आ चुके हैं महाराष्ट्र में। तमिलनाडु है दूसरे, दिल्ली है तीसरे स्थान पर। और ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। और आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग मंथली करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे और पूरे अप्रैल माह के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और जो हमारा स्टैटिक GK का कोर्स शुरू हुआ है उसमें हम लोग लगभग 2 दिन के अंतराल पर एक वीडियो को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं एक वीडियो को बनाने में। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 दिन पर एक वीडियो आए, लेकिन वह आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो हो। तो चलिए अब करते हैं आज के करंट अफेयर की शुरुआत। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये जो राज्य है इसका नाम है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं अगर हम लोग नरेगा की, तो इसका पूरा नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि इसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं उनको रोजगार की गारंटी दी जाती है। कितने दिनों की? 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। और अभी आपको पता होगा कि सरकार के द्वारा जो नरेगा के अंतर्गत डेली वेज था इसमें 20 रुपए की वृद्धि की गई थी। तो 2006 में इसे 2005 के एक्ट के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ रहा है पहले स्थान पर, जहाँ पर इन्होंने 18,00,000 से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिया, और कुल जो श्रमिकों की भागीदारी रही पूरे देश में वह रही 24%। राजस्थान इसमें है दूसरे स्थान पे और उत्तर प्रदेश रहा है तीसरे स्थान पे। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की है रायपुर में, राज्यपाल यहाँ के हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं भूपेश बघेल, और कांग्रेस इनकी पार्टी है। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के लिए डॉलर यानी कि $386 मिलियन का ऋण दिया? तो ये ऋण इन्होंने दिया है महाराष्ट्र को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ADB के द्वारा भारत को $2.2 बिलियन और $1.5 बिलियन के सहायता राशि की घोषणा की गई है कोविड-19 से निपटने के लिए।
अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश में सड़कों को अपग्रेड करने के लिए भी ऋण दिया है, और जो हमारे यहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है इसमें भी ADB के द्वारा $100 मिलियन के निवेश की बात की गई है। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 को हुआ था, 2016 नहीं है, 1966 है। राजधानी इसकी है, यानी कि मुख्यालय इसका है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अध्यक्ष इसके हैं जापान के मसात्सुगु असाकावा। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की, तो राजधानी यहाँ की दो हैं, मुंबई और नागपुर। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, CM हैं शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपसे अस्थायी प्रतिनिधि या भारत के राजदूत के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और ध्यान रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर अभी तक भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे सैयद अकबरुद्दीन साहब। अब इनका स्थान लेंगे TS तिरुमूर्ति। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तिरुमूर्ति जी की बात करते हैं तो ये 1985 बैच के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं। वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात हैं। बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जो कि है अमेरिका में, और इसके अध्यक्ष हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस। और UN की एक बॉडी है जिसका नाम UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बंदे। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है नीरज व्यास जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो संजय गुप्ता, जो कि PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MD और CEO थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद में नए अब बन गए हैं नीरज व्यास, और 8 माह के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। यह PNB का एक उपक्रम है जिसकी स्थापना 1988 को हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और PNB के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो दो बैंक इसमें विलय हुए हैं, विलय हुए बैंकों का नाम आपको लिखना है। उस विलय के बाद में ये भारत का पब्लिक सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है SBI के बाद में। किस देश द्वारा दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी की जाएगी? तो ये जो अभ्यास है इसकी मेजबानी करेगा अमेरिका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो काफ़ी लगभग 1 महीने तक इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष अमेरिका के द्वारा लगभग 2 हफ्ते का आयोजन इस अभ्यास के लिए किया जाएगा। तो अमेरिका में एक है हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप के पास प्रशांत महासागर में इसका आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे जो हमारे जहाज होते हैं वह इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, और प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिच ब्लैक अभ्यास के बारे में, जो कि ऑस्ट्रेलिया आयोजित करवाता है। तो इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया ने इसको रद्द कर दिया है, अब इसका अगला संस्करण होगा 2022 में। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी जे अरुण कुमार किस देश की क्रिकेट टीम के राष्ट्रीय कोच बने हैं? तो ये राष्ट्रीय कोच बन गए हैं USA के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये किंग्स इलेवन पंजाब, जो कि IPL की टीम है, उसके भी कोच रह चुके हैं, बल्लेबाजी कोच, और कर्नाटक राज्य के ये पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो अब बन गए हैं USA के राष्ट्रीय टीम के कोच। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत के जो विकास दर है वह कितने प्रतिशत अनुमानित की? तो इन्होंने कहा है वित्तीय वर्ष नहीं, आप कह सकते हैं वर्ष 2020 के लिए, तो ये अनुमानित की है 0.2%। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पहले इन्होंने कहा था 2.5% रहेगी, अब इसे कम करके 0.2% कर दिया है। क्रिसिल ने कहा है कि भारत की जो GDP ग्रोथ है वह रहेगी 1.8%, और GDP वाले आंकड़े आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखने हैं, क्योंकि इनमें अभी बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 14,000 नागरिकों को COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रतिरोधी बंधु के रूप में शामिल किया? तो ये शामिल किया है असम राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो असम की जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इनके द्वारा आपदा मित्र के जो कार्यकर्ता थे, ASLRM के, NULM के, नेहरू युवक केंद्र के, NCC के, NSS के, तो इन सभी में से 14,000 लोगों का चयन किया गया है जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, और इन्हें एक स्वयं सेवक कैडर के रूप में तैयार किया गया है। यानी कि ये लोग या इनमें से प्रत्येक एक व्यक्ति अपने इलाके के 100 परिवारों की जिम्मेदारी लेगा,
और किनको किस प्रकार की क्या जरूरत है इसके बारे में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचना देगा। असम राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपको दिसपुर में मिलेगी। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और सर्बानंदा सोनोवाल यहाँ के CM हैं, जिनकी पार्टी है BJP। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, बात कर रहे हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर सिलेक्शन बोर्ड की, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं, इनका नाम है राजीव कुमार। और आपको याद होगा राजीव कुमार जी पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं भारत के, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है और ये स्थान लेंगे कपिल देव त्रिपाठी का। कपिल देव त्रिपाठी का नाम आपको याद होगा, ये हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके नए सचिव बन गए हैं। अजय भूषण पांडे ये हमारे वर्तमान में वित्त सचिव हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस, यानी कि बात हो रही है इंटरनेशनल जैज डे की, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये होता है 30 अप्रैल को, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जैज क्या है, तो जो लोग म्यूजिक पसंद करते होंगे उन्हें पता होगा कि यह एक म्यूजिक का जेनर होता है। जैज एक म्यूजिक का जेनर होता है, तो इस जेनर का जो शांति एकता और लोगों के बीच में संवाद और सहयोग बढ़ाने में उपयोगिता है, इसी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। पहली बार यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2012 में इसे मनाया गया था, यानी कि ये इसका 9वां संस्करण है। और एक दिवस आपको और ध्यान रखना है थोड़ा सा, आयुष्मान भारत दिवस, ये होता है 30 अप्रैल को। अप्रैल 2020 में द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, जिसका नाम है ग्रिड 2020, तो इसके अनुसार 2019 में भारत में कितने लोग विस्थापित हुए, तो यहाँ पर विस्थापित लोगों की संख्या है 5 मिलियन, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो रिपोर्ट है वह आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र, यानी कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा जारी किया गया। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि जो भारत में लोग विस्थापित हुए हैं इसका कारण है उच्च जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक भेद्यता में वृद्धि। जैसे आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ पर मानसून सीजन आता है तो जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, तो उन लोगों को मजबूरन अपने उस एरिया को छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से भारत में 50 लोग विस्थापित हुए थे 2019 में। वहीं पर अगर हम लोग कुछ अन्य देशों की बात करते हैं, जैसे चीन हो गया, फिलीपींस हो गया, बांग्लादेश हुआ, तो इन देशों में भी 4 मिलियन यानी कि 40 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। किस राज्य की सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान शिक्षा के लिए नेबरहुड क्लासेज की घोषणा की गई, तो ये घोषणा की है त्रिपुरा राज्य की सरकार ने, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये योजना है क्या, तो देखिए इस योजना में ये कहा गया है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वह लॉकडाउन के कारण काफ़ी ज़्यादा बाधित हो रही है, तो यहाँ पर एक शिक्षक किसी बच्चे के घर जाएगा और वहाँ पर अन्य घरों के बच्चे को बुलाएगा, यानी कि वह मैक्सिमम 5 बच्चों को पढ़ा सकता है एक घर पे जा करके। लेकिन इसके दौरान जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के रूल हैं उन सभी को फॉलो करना है। साथ ही साथ त्रिपुरा की जो सरकार है इन्होंने प्रसार भारती से कहा है कि आप हमको 2 घंटे का टाइम दीजिए अपने TV पर, जिससे हम बच्चों के लिए उपयोगी कक्षाएँ चला सकें। त्रिपुरा राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की अगरतला, राज्यपाल यहाँ के हैं रमेश बैस और CM यहाँ के हैं बिप्लव कुमार देव, इनकी पार्टी है BJP। किस नदी के जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया, तो इस नदी का नाम है कावेरी, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2018 में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। अभी तक ये जो अथॉरिटी था ये था किसके बीच में, जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन। और आपको पता होगा कि पिछले वर्ष जब नई सरकार बनी थी तो उस समय इस मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया था और इसी के स्थान पर बना था जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर। तो कावेरी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आइए मैप में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने है कर्नाटक, ये है केरल और ये है तमिलनाडु। तो कावेरी की बात करते हैं तो ये ओरिजिनेट होती है कोडागु से, कोडागु एक स्थान है कर्नाटक में और इसी के पास में है ताल कावेरी, तो ताल कावेरी से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये एंटर करती है तमिलनाडु में और फिर चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जिनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हेमावती है, सिमसा है, भवानी है, लक्ष्मण तीरथ है, अमरावती है, तो ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये दोनों बाएं से आकर के इसमें मिलती हैं और जो ये भवानी, लक्ष्मण तीरथ और अमरावती हैं ये दाएं से आकर के इस नदी में मिलती हैं। अगला प्रश्न है,
दीपक मित्तल किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये नए राजदूत बन गए हैं कुवैत के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दीपक मित्तल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर थे, तो अब इनकी नियुक्ति कर दी गई है कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में। साथ ही साथ एक और नियुक्ति हुई है जो कि है पीयूष श्रीवास्तव जी की, ये बहरीन देश में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। कुवैत देश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कुवैत सिटी है, मुद्रा यहाँ की है कुवैत दिनार। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर है कुवैत सिटी जो कि इराक और सऊदी अरब के साथ में अपनी सीमा बनाता है। बात करते हैं बहरीन की, तो ये आप देख रहे होंगे ये छोटा सा देश है यहाँ पर द्वीपीय जिसका नाम है बहरीन। इसकी राजधानी आपको मिलेगी मनामा में और मुद्रा यहाँ की है बहरीनियन दिनार। ज्वालामुखी व भूकंप के पूर्वानुमान के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सायर्स मिशन की घोषणा की? तो ये जो सायर्स मिशन है इसकी घोषणा की है नासा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब अभी तक क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम थे, ये सारे पृथ्वी पर लगाए गए थे, लेकिन ये कई बार समय पे जानकारी नहीं दे पाते थे। तो नासा ने एक प्रयोग किया था। प्रयोग क्या किया था? इन्होंने ये जो क्यूब सेट नाम का रडार है, क्यूब सेट नाम का जो रडार है, इसका यूज इन्होंने किया था हवाई के ऊपर जो किलायु ज्वालामुखी है। तो उसके बाद में इन्हें इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। तो अब नासा ने कहा है कि हम एक करेंगे सायर्स मिशन जिसका नाम है क्यूब सेट इमेजिंग रडार फॉर अर्थ साइंस। तो इसके माध्यम से ये सेटेलाइट भेजेंगे अंतरिक्ष में और वहाँ से पृथ्वी पर होने वाली किसी भी प्रकार के हरकत को मॉनिटर करेंगे, जिसके माध्यम से ये लोग ये सूचना दे पाएंगे कि उस स्थान पर ज्वालामुखी का विस्फोट होना है या फिर भूकंप की कोई संभावना है। तो नासा की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1958 को हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टीन। और नासा के कई सारे मिशन हैं जैसे कि चंद्रमा के लिए एक इनका वाइपर मिशन है, उसके अलावा इनका एक आर्टेमिस मिशन जो कि चंद्रमा के लिए ही है जिसके अंतर्गत ये मानव शिविर बनाएंगे, और एक इनका है सनराइज मिशन। और ध्यान रखिएगा नासा के द्वारा इसरो के साथ मिलकर के एक मिशन किया जाएगा जिसका नाम है निसार। आवास और शहरी विकास निगम, बात हो रही है हुडको की यानी कि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है शिवराज मीणा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शिवराज मीणा वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव थे और 6 माह के लिए इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है। ध्यान रखिएगा अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है, यानी कि ये संयुक्त सचिव तो हैं ही, इसके साथ साथ ये हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य करेंगे। हुडको की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। आइए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था CNES किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो ये स्पेस एजेंसी है फ्रांस की। कहाँ की? ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। और एक है CNSA, तो दोनों में आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। CNSA ये है चीन की और ये है फ्रांस की। लिंक्डइन कंपनी के नए CEO कौन बने? और कल इस प्रश्न को लेकर के काफ़ी लोगों ने गलत उत्तर दिया, यानी कि एक दूसरे का उत्तर कॉपी किया। लिंक्डइन कंपनी के पुराने जो CEO हैं यानी कि वर्तमान में हैं लेकिन उनका वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है, उनका नाम है जेफ विनर। लेकिन जून से इसके नए CEO हो जाएंगे उनका नाम है रयान रॉसलंस्की। क्या नाम है? रयान रॉसलंस्की। तो ये होंगे नए CEO। डेनियल अरप मोई, ये पूर्व राष्ट्रपति थे केन्या के और इनका निधन हो गया है। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा झारखंड में। और फुगड़ी ये नृत्य एक है जो कि होता है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में ये नृत्य होता है। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है। अभिनेता इरफान खान, तो इनका निधन हो गया, इन्हें किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था? उम्बारे आंगनवाड़ी, ये किस राज्य की पहल है यानी कि किस राज्य की सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई? आर्कटिक के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर का जो होल था वह अब पर्यावरण के अच्छे होने के कारण बंद हो गया है। प्रीति सुदान किस मंत्रालय की सचिव हैं? और इंडिया इन डिस्ट्रेस नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।